हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय एफ चिश्ती सर। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी त्रिकोणमितीय फलनों की क्लास। आज अपन स्टार्ट करेंगे फैक्टोरियल। तो टॉपिक डालेंगे बच्चों आज आप फैक्टोरियल। फैक्टोरियल फैक्टोरियल मैं कुछ वैल्यूज लिखूंगा फैक्टोरियल की, वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? आपके लिए काफी यूजफुल होती है वैल्यूज। देखो, सबसे पहले लिखता हूं मैं फैक्टोरियल को, ऐसे दिखाते हैं, पहले इस तरह से प्रदर्शित करते फैक्टोरियल जीरो, या फैक्टोरियल को ऐसे भी दिखाते हैं जीरो लिख के पीछे इस तरह से कर देते हैं। तो ये क्या है बच्चों? फैक्टोरियल जीरो है। क्या पढ़ेंगे इसको? फैक्टोरियल जीरो। तो बच्चों, फैक्टोरियल जीरो की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? वन होती है। याद रहेगा आपको, वन होती है। इसी तरह से जो फैक्टोरियल वन है, फैक्टोरियल वन की जो वैल्यू है, पहले तो ऐसे दिखेंगे फैक्टोरियल वन को, और फैक्टोरियल वन की जो वैल्यू है वो भी कितनी होती है बच्चों? वन होती है। इसी तरह से फैक्टोरियल टू, फैक्टोरियल टू को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, और इसका जो एक्सटेंशन है, जो प्रसार है, वो कैसे होता है? टू इंटू वन, मतलब टू से शुरू करोगे, पीछे तक चलना है, टू इंटू वन, मतलब कुल मिला के ये 2 into 1 factorial तो ऐसे खोला है, factorial 2 को 2 into factorial 1, मतलब 2 into, और factorial 1 कितना होता है? 1 होता है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आई? 2 आई अपने पास, ठीक है? तो factorial 2 कितना होता है अपने पास? 2। फिर factorial 3, देखो factorial 3 को इस तरह से भी प्रदर्शित करते हैं, और इसको कैसे लिखेंगे? 3 into 2 into 1, ये तो यहां तो 2 आई गया था, और यहां 3 into 2, 6। देखो, इसको मैं एक्सटेंशन करके बताता हूं आपको, ये फैक्टोरियल 3 है तो इसको ऐसे लिखेंगे 3 इंटू फैक्टोरियल 2, फिर 3 इंटू फैक्टोरियल 2 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू फैक्टोरियल 1, फिर 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1, 3 इंटू 2, 6, तो रिजल्ट कितना आता है अपने पास? 6 आता है। इसीलिए आपको क्या करना, फैक्टोरियल 3 को सीधा ऐसे लिख देना, 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसी तरह से फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 को अपन इस तरह से भी प्रदर्शित करेंगे फैक्टोरियल 4 को, तो बच्चों ये क्या होगा? 3 4 into 3 into 2 into 1, तो ये 12, और 12 into 2 24। इसी तरह से फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 को आप इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हो, ये 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा? 120, ठीक है? तो इस तरह से आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। आगे भी आप लिख सकते हो, बट कोई बात नहीं, यहां तक आप कर लोगे उतना ही सफिशियंट है आपके लिए, ठीक है? तो इसको कंप्लीट करें, फैक्टोरियल का काम आएगा आपके ये। हो गया। अब देखो, इसके बाद कुछ प्रसार सूत्र अपन पढ़ेंगे, सम एक्सटेंशन फॉर्मूलास, कुछ प्रसार सूत्र। तो टॉपिक डालेंगे कुछ प्रसार एक्सपेंशन, कुछ प्रसार सूत्र, कुछ प्रसार सूत्र, ठीक है? इनको बहुत निकल रही, कुछ प्रसार सूत्र, सम एक्सपेंशन फॉर्मूलास। देखो, कुछ प्रसार सूत्र में सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले मैं साइन थीटा का प्रसार लिखता हूं, ये आपको याद होना चाहिए बच्चों। साइन थीटा का जो प्रसार है वो किससे स्टार्ट होता है? थीटा से। थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा फाइव अपॉन फैक्टोरियल 5 और सो आगे चलता रहेगा। तो ध्यान रहे, साइन थीटा का जो प्रसार है वो कहां से शुरू होता है? थीटा से शुरू होता है, याद रहना चाहिए आपको। इससे बाद में काफी इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आएगी, ओके स्टूडेंट्स? क्योंकि हर चीज एक दूसरे से लिंक है। इसके बाद कॉस थीटा, बच्चों कॉस थीटा का जो प्रसार है वो 1 से शुरू होता है। कहां से? 1 से। मैं मेन जो बात पे फोकस कर रहा हूं वो ये इसी पे कर रहा हूं कि ये थीटा से स्टार्ट है, ये 1 से स्टार्ट है, ये 1 माइनस,
ये थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 होता है और ये थीटा 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 होता है और ये सॉल्व मैंने भी आपको फैक्टोरियल पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे फैक्टोरियल, ठीक है। तो फैक्टोरियल जो मैंने पढ़ाए हैं वो इसीलिए पढ़ाए हैं ताकि आपको इनकी वैल्यूज पता लग सके, ठीक है। अभी आपको पता होगी फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, फैक्टोरियल 5 की कितनी होती है, फैक्टोरियल 2 की कितनी है, फैक्टोरियल 4 की कितनी है, ठीक है। तीसरा पॉइंट tan थीटा, tan थीटा डियर स्टूडेंट्स, tan थीटा की जो एक्सपेंशन है वो किससे स्टार्ट होता है, थीटा से, तो वो कितना होता है थीटा प्लस थीटा क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 थीटा की पावर 4 अपॉन 15 और ये सॉल्व, ये tan थीटा का एक्सपेंशन है वो थीटा से स्टार्ट होता है, किससे थीटा से। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है अपना, e की पावर x, क्या है e की पावर x, e की पावर x क्या है 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 4। इसके बाद पांचवा जो है e की पावर माइनस x, वो क्या है 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 4। ये आप लोगों को याद होने चाहिए कुछ प्रसाद सूत्र, सम एक्सपेंशन फॉर्मूला। इसमें मेन बात ये है कि साइन थीटा का एक्सपेंशन थीटा से स्टार्ट होता है, कॉस थीटा का 1 से, टेन थीटा का थीटा से। तो ये बात कंप्लीट कर ले, फिर आगे की बात अपन कंप्लीट करेंगे। अभी ये मैंने यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं माइनस प्लस के माइनस आएगा तो मैंने लगाया नहीं, क्योंकि प्रसाद चाहो तो आप लगा सकते हो माइनस, जैसे माइनस प्लस फिर यहाँ पर वापस क्या जाएगा माइनस आ जाएगा, और इसमें सब प्लस है तो प्लस ही चलेगा इस तरह से, है ना, तो कोई इश्यू नहीं है। हो गया, एक और लिख दो चाहो तो, देखो log 1 प्लस x का, log 1 प्लस x का जो एक्सपेंशन है वो कितना होता है x माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x क्यूब अपॉन 3 माइनस x 4 अपॉन 4 प्लस, सॉरी इस तरह से लिख लो इसको भी। जल्दी से कंप्लीट करो, हो गया। मैंने आप लोगों को 6 सूत्र लिखाए हैं। अब अगर आपसे मैं e की पावर e की वैल्यूज निकालना चाहूं तो देखो क्या करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जनरली एक चीज आपके काफी इंपॉर्टेंट है, मैं नोट डाल के लिखता हूं। देखो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 4, समीकरण 4 में अपन क्या करते हैं x इक्वल टू 1 पुट करते हैं। तो देखो आपके पास जो वैल्यूज आएगी e की पावर 1 इक्वल टू 1 प्लस, क्योंकि 1 से स्टार्ट है 1 प्लस x, x कितना है आपके पास 1 है, फिर प्लस x स्क्वायर, x का स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर भी लिख दो फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब मतलब 1 का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस और ये होगा, तो e की पावर 1 का मतलब e होता है और e की वैल्यू जनरली आपसे पूछी जाती है, याद होना चाहिए आपको ये 1 प्लस ये 1 प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और फैक्टोरियल 2 कितना होता है बच्चों 2, ये 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 6 और ये सॉल्व, तो e इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 कितना होता है 0.5, 1 अपॉन 6 0.166 प्लस सॉल्व। तो इस तरह से e की जो वैल्यू है अपन कैलकुलेट करेंगे, जैसे 1 फिर 1 कितना हो गया 2 और इस तरह से पॉइंटों में और भी चलेगा आगे भी, तो ये जो लगभग वैल्यू आती है 2.718 आती है, ये क्या है लगभग वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो e की जो वैल्यू है आपको याद होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपके काम आएगी ये कि e इक्वल टू कितना होता है 2.718, इसको भी आप कंप्लीट कर ले, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अच्छे से याद कर लेना e की वैल्यू 2.718 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये, उम्मीद करता हूं लिख लिया होगा, ठीक है। चलो इसको मैं वापस से लिखा रहने दो, आप लोगों को एक
अच्छी सी चीज दिखाता हूं मैं। ठीक है, दिखा रहे हैं इसको। टॉपिक डालते हैं अपन इधर, उसको मैंने जानबूझ के रोका है। देखो क्यों रोका, टॉपिक डालना लघु कोणों के सन्निकट मान, लघु कोणों के शॉर्ट एंगल, लघु कोणों के सन्निकट मान, और कोष्ठक में लिखना थीटा लेस देन 5 डिग्री, थीटा लेस देन 5 डिग्री, ये आप कोष्ठक में लिख लेना। लघु कोणों के सन्निकट मान, सन्निकट का मतलब एप्रोक्सीमेट वैल्यू, सन्निकट का मतलब क्या होता है एप्रोक्सीमेट वैल्यू, अगर थीटा क्या हो 5 डिग्री से कम हो तो क्या वैल्यू होगी। तो बच्चों याद रखना तीन बातें लिख रहा हूं मैं, साइन थीटा अप्रोक्सीमेट कितना होता है थीटा, कॉस थीटा अप्रोक्सीमेट कितना होता है 1, और टेन थीटा लगभग कितना होता है थीटा। मैंने तीन बातें लिखी है यहां पर, आप देखना साइन थीटा की शुरुआत किससे है थीटा से, इसीलिए मैंने यहां पर क्या लिख दिया थीटा, कॉस थीटा की शुरुआत 1 से इसलिए वहां पर क्या लिख दिया 1, टेन थीटा की शुरुआत किससे थीटा से इसलिए मैंने यहां पर क्या लिख दिया थीटा। ऐसा इसलिए लिखा बच्चों क्योंकि अगर थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है कम है, थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है कम है, तो उसका क्यूब करके अगर भाग दोगे तो वो वैल्यू और कम आएगी। तो ये जो वैल्यूज है उच्च घात के जो पद है उनको अपन क्या मान लेते हैं नगण्य मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं नगण्य मान लेते हैं, इसीलिए आपके ये जो वैल्यूज है ये क्या आती है बहुत ही कम आती है। यहां एक बात याद रखना, नॉट नॉट क्या है, यहां थीटा रेडियन में होगा, याद रखना थीटा किसमें होगा रेडियन में होगा। तो जैसे यहां पर देखो थीटा क्यूब है तो साइन थीटा लगभग थीटा होता है, अब मान लो आपके पास 5 डिग्री से कम है तो उसको आप रेडियन में बदलोगे तो वैल्यू बहुत कम आएगी। तो आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे मान लो थीटा का जो मान है आपके पास 0.2 आ रहा है, कितना आ रहा है 0.2 आ रहा है। अब आप अगर 0.2 का क्यूब करते हो, 0.2 का क्या करते हो क्यूब करते हो, या 0.2 का जैसे स्क्वायर आ रहा है आप स्क्वायर करते हो, जैसे मान लो स्क्वायर करना है आपको 0.2 तो कितना है 0.04 आया, तो ये जो संख्या आई 0.04 ये और छोटी आई, क्या ये और छोटी आई। ठीक है, फिर अगर उसका 4 करोगे 4 बार और करोगे इसको मल्टीप्लाई, मतलब 0.2 × 0.2 × 0.2 × 0.2 तो वैल्यू और भी कम आएगी। इसलिए बच्चों क्या करते हैं इन उच्च घात के पदों को क्या मान लेते हैं नगण्य, इसीलिए ये वाला नगण्य मान लिया, ये नगण्य, ये नगण्य, ये नगण्य, ये नगण्य, ये नगण्य मान लिया, उच्च घातों को क्या मान लिया नगण्य मान लिया। सेट क्या लिखा, साइन थीटा को लगभग थीटा, कॉस थीटा को लगभग 1, टेन थीटा को लगभग थीटा। तो याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट है, तीनों बातें आपको याद होनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये वाली चीज मिटाई नहीं थी ताकि यहां से मैं आपको समझा सकूं क्या साइन थीटा लगभग कितना थीटा, कॉस थीटा लगभग 1, टेन थीटा लगभग थीटा। और याद होना चाहिए काफी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पर जो थीटा है वो किसमें होगा रेडियन में होगा, किसमें होगा रेडियन में। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। अच्छा डेली की क्लास डेली देखते रहना, ये क्लासेस आपके लिए काफी यूजफुल होगी। हो गया, अब मैं इनको मिटा देता हूं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे एग्जांपल है साइन 2 डिग्री, साइन 2 डिग्री। अब थीटा किसमें है रेडियन में, साइन थीटा लगभग कितना होता है थीटा, पर थीटा किसमें होता है रेडियन में होगा। मैंने यहां पर 2 डिग्री डिग्री में लिखा है, तो सबसे पहले इसको क्या करो आप किसमें बदलो, डिग्री को रेडियन में बदलो, तो आपको पता है पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो 1 डिग्री कितना होगा पाई अपॉन 180 रेडियन होगा। तो यहां से 2 डिग्री है ना, तो
दो इंटू एक डिग्री, एक डिग्री का मतलब पाई अपॉन 180 रेडियन। तो ये दो से कितनी बार, 90 बार। तो कितना है अपने पास, साइन पाई अपॉन 90 रेडियन। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज है, अब देखो साइन ये पूरा क्या हो गया, थीटा हो गया, ये क्या हो गया थीटा। साइन थीटा लगभग कितना होता है, थीटा होता है। तो यहां पर लगभग क्या है, थीटा, थीटा है, थीटा का मतलब कितना हो गया पाई अपॉन 90, कितना हो गया पाई अपॉन 90। इसी तरह से मैं और एग्जांपल लिखता हूं, देखो कॉस 4 डिग्री, एग्जांपल है कॉस 4 डिग्री। ठीक है, इसको बदलने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि कॉस थीटा का लगभग मान कितना होता है, 1 होता है, इसलिए आप इसको डायरेक्ट क्या लिख दो, 1 लिख दो। ठीक है, कॉस में ये वाली प्रॉब्लम आपके सामने नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम तो कब है, जब थीटा है, और थीटा किस में, रेडियन में। तो यहां थीटा आई नहीं रहा आपके पास, कितना आ रहा है डायरेक्ट वैल्यू, 1 आ रही है, तो कॉस को बदलने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, टेन 3 डिग्री, तो टेन में जो बच्चों क्या आता है, थीटा आता है, बट थीटा का कंसेप्ट क्या है, रेडियन में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, रेडियन में। तो पहले इसको क्या करें अपन, रेडियन में बदले, तो 3 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो ये कितनी बार, 60 टाइम्स। तो यहां पर अपने पास 10 पाई अपॉन 60 रेडियन। तो बच्चों आपको पता है 10 थीटा लगभग कितना होता है, थीटा होता है, तो अपने पास यहां से रिजल्ट कितना जाएगा, पाई अपॉन 60। एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं, एग्जांपल है आपके पास कॉस 1.8 डिग्री। तो बच्चों कॉस 1.8 डिग्री कितना होगा, बोले 1, गुड, 1 ही होगा, क्योंकि कॉस जो है वो लगभग कितना होता है, 1 होता है, तो उसको बदलने की जरूरत आपको है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 वैल्यू आ रही है, थीटा जब आता तो थीटा को कम करते रेडियन में कन्वर्ट कर। तो लिख लें, ये कंप्लीट करें इसको यहां तक। जल्दी से कंप्लीट करो बच्चों, हो गया। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जितने भी टॉपिक है अभी अगर कवर कर रहे हैं, ये बिल्कुल बेसिक है, ये बातें आपको आना चाहिए, और जब तक ये बातें आपकी स्ट्रांग नहीं होगी तो आपके टॉपिक भी स्ट्रांग नहीं हो सकते आगे आने वाले। द्विपद प्रमेय, देखो द्विपद प्रमेय क्या है, ध्यान रखना, 1 प्लस एक्स की पावर एन इक्वल टू, देखो ये 1 प्लस एन एक्स, ये पावर आगे आ जाती है, अगर यहां माइनस हो तो माइनस आ जाएगा, 1 प्लस एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस 100। ये आपके पास क्या है, द्विपद प्रमेय है, ये घात है, क्या ये घात पावर है, ये तो 1 प्लस एक्स की घात n कितना होगा, 1 प्लस एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस n n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस n n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस 100। आगे भी जारी है, बट एक बात ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, इफ, इफ इसका मतलब यदि x लेस देन 1, अगर x का मान x से क्या हो बच्चों, बहुत कम हो, क्या हो, बहुत कम हो, तो उच्च घात के पदों को क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। कहने का मतलब यह है मेरा कि 1 प्लस एक्स की घात n इक्वल टू सिर्फ क्या रह जाता है, 1 प्लस एन एक्स, फैक्टर 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है,
इसीलिए वन हटा दिया मैंने, वन प्लस एन एक्स ही रह जाएगा बस, बाकी ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, ये जो उच्च घात के पद है, इनको अपन क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। नगण्य क्यों मानेंगे, इसका कारण मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने यहां पर लिखा कि x की वैल्यू 1 से बहुत कम है, अब जैसे x का मान 1 से कम है, मैंने 0.2 ही ले लिया, कितना ले लिया बच्चों, 0.2 ही ले लिया, तो 0.2, अब यहां पर देखो x का मान 0.2 है, यहां पर देखो तो यहां x स्क्वायर आ रहा है, तो 0.2 into 0.2 कितना गया, 0.04, तो ये मान और कम आया, स्क्वायर किया मैंने तो ये मान और कम आया, अगर क्यूब करूंगा तो और कम आएगा मान, तो ये जो वैल्यूज है धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, इसीलिए अपन क्या करते हैं, उच्च घात की पदों को क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, नेग्लिजिबल, तो ये जो वैल्यूज है ये बहुत ही कम है, इसीलिए इसको अपन क्या मान लेते हैं, नगण्य। इसीलिए आपको याद रखना है हमेशा कि 1 + x^n कितना होगा, 1 + nx होगा, लिख लें इसे, ये सिर्फ एक्सप्लेन किया है, इसको हटा दो, कंप्लीट करें इसको, हो गया, ये आपको याद होना चाहिए, एक एक बातें आप समझते चले, बिल्कुल बेसिक है ये। डायरेक्ट चैप्टर फर्स्ट पढ़ना बिल्कुल बेकार बात है, क्योंकि जब तक आपको बिल्कुल बेसिक जब तक समझ में नहीं आएगा, आगे की चीजें आपको समझ में नहीं आ सकती। इसके बाद देखना लघु गुणक, लघु गुणक लॉगरिथमिक, हालांकि आप जानते हो कि लघु गुणक क्या होता है, ठीक है, चलो लघु गुणक में अपन कुछ बातें पढ़ते हैं, कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं, लॉग ए बी, पहला फॉर्मूला है लॉग ए बी, लॉग ए बी क्या होगा, लॉग ए प्लस लॉग बी, अगर ये मल्टीप्लाई में है तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, लॉग ए प्लस लॉग बी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, लॉग ए अपॉन बी है, अगर ऐसा हो तो आप क्या लिखोगे, लॉग ए माइनस लॉग बी, अगर ऐसा दिखे तो आपको यह लिखना है। तीसरी बात लॉग ए की घात बी, लॉग ए की घात बी हो तो पावर आगे आ जाती है, बी आगे आ जाएगा और ये लॉग ए, ये तीसरी बात हो गई, ठीक है। चौथी बात क्या है कि लॉग डैश ई, ये क्या है, डैश ई है और ये एक्स है, अगर इसको 10 में कन्वर्ट करना हो, डैश 10 में 2.303 लॉग 10 और ये एक्स, लॉग ई एक्स कितना होता है, 2.303 लॉग 10 एक्स, ये वाली जो चीज है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अपन प्रूफ भी कर सकते हैं, इसको मैं प्रूफ कर देता हूं फोर्थ वाले को। देखो लॉग ये बेस ए और बी है, ये आधार में है ए, अब आपको अगर कोई तीसरे बेस में बदलना हो तो उसका बेस सी यहां लिख देना और ये बी है, ये लॉग इसका नया बेस सी है और ये ए, ये एक फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पर बेस्ड जो चीज है उससे अपन इस चीज को प्रूफ करेंगे, इसको लॉग ई एक्स इक्वल टू 2.303 लॉग 10 एक्स, इसको अपन प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे देखना बच्चों, ये लॉग ई एक्स मेरे पास है, यहां बेस ई है, यहां बेस ए था, यहां बी था, आपको नए बेस सी में कन्वर्ट करना था तो मैंने सी लिखा यहां पर और ये बी और ए ऐसे ही लिख दिया मैंने। अब यहां लॉग बेस ई और एक्स है तो अब की बार मेरे को क्या करना है, बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो सी की जगह क्या कर दो, 10 कर दो, ये तो एक्स हो गया और ये लॉग ये 10 और ये ई कर दो, ठीक है। जैसे ये वाला फॉर्मूला लगाया सेम वैसे, जैसे ए बी था यहां ई एक्स था, आपको यहां बेस सी में कन्वर्ट करना था, यहां मैंने सी की जगह क्या ले लिया, 10 ले लिया है। अब लॉग ई एक्स इक्वल टू लॉग 10 एक्स अपॉन लॉग 10 ई, ई की वैल्यू अभी लिखाई है मैंने 2.718। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर लॉग 10 एक्स अपॉन ये 2.78 की जो वैल्यू है ये 0.3242 होती है, कितनी होती है
0.3 to 42 होती है, तो log e x इक्वल टू, ये देखो 1 अपॉन है, ये 1 अपॉन 0.4342 log 10x। अब पॉइंट हटाओगे तो 4 पॉइंट ऊपर लगेंगे, तो यहां से आपके पास देखो क्या आएगा, log e x इक्वल टू ये 1, 2, 3, 4 पॉइंट हटा दिया आपने, क्योंकि पॉइंट जो है 4 पॉइंट है, तो 4 0 आपके पास आ जाएगी, और ये 4, 3, 4, 2 और ये log बेस 10 और ये x, तो log e x जब डिवाइड करोगे तो 2.303 और ये log 10 x, ये वाला फॉर्मूला आपको मिल जाएगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो बेस e को जब आप बेस 10 में बदलोगे तो ये वाली चीज आप काम में लोगे, ठीक है। ये 4 बातें आपको याद होनी चाहिए, डायरेक्ट अगर याद रखो तो ऐसे रख लेना, और अगर कन्वर्ट करके लिखो तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। एज यू विश, आप चाहो तो पूरा लिख लो, चाहो तो शॉर्ट में लिख लो, कंप्लीट कर लो इसको पूरा। लिखिए यहां तक, ओके स्टूडेंट्स, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, अगला नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे, ठीक है, ओके, थैंक्स।